पता नहीं उसके बाद शॉट किसका आगे से निकल यहाँ से निकल आता सारे फिर शायद बात कैसे सर ये क्या सूरत हाल क्या हुई है हाई कोर्ट तक क्यों आ गए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे उसके बाद प्रेस करेंगे तो हुआ क्या है ये हड़ताल क्यों हुई ठीक है तो सर कितने वकला जख्मी हुए हैं कुछ क्या अपडेट है उसकी मुझे छः तो इस वक्त तक रिपोर्ट हो चुके हैं ठीक है बकाया कि हमें मालूम नहीं है क्योंकि काफ़ी हमारे हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिए गए हैं वकला तो सर आपको पता है कि अदालतें मैदान जंग बनी हुई है हाई कोर्ट भी सिटी कोर्ट्स भी हम पाकिस्तान बार काउंसिल को चीफ जस्टिस पाकिस्तान को कहते हैं कि वो इंटरवीन करें क्योंकि ये जो सूरत हाल है ये बार और बेंच के लिए ख़तरनाक है और डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ईस्ट ने जो हरकत की है वो गैर कानूनी है गैर आइनी है हम उसकी मजम्मत करते हैं सर ये तनाज़ा हुआ क्यों मतलब क्या वजह थी लड़ाई ये यहाँ तक क्यों पहुँची डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने हमारी वैन जो शटल चलती है हाई कोर्ट और सिटी कोर्ट के दरमियान उसका गेट बंद कर दिया था ठीक है उनके लिए चाबियाँ लेने के लिए जब केबीए के नुमाइंदे गए तो उनको चाबी नहीं दी गई और उन्होंने फिर बैठ के तमाम जुडिशल अफसरान को एक रेजोल्यूशन बनाया बार के खिलाफ कि ये वकला हमारे सामने पेश ना हो तो बेसिक बुनियादी वजह ये बना है ठीक है थैंक यू सर थैंक यू सिंध बार काउंसिल के ये अहदेदार थे इस वक्त भी सिंध हाई कोर्ट जो है मुकम्मल तौर पर मैदान जंग बना हुआ मुकम्मल जो अदालतों के जो गेट थे बंद कर दिए गए थे वकला की आमद के बाद हंगामा राय हुई पूरा दिन सूरत हाल देखी सिटी कोर्ट्स और मुख्तलिफ जो जगहें थी बंद थी सुनो नहीं करेंगे ठीक है सर ठीक है थोड़ा ऑर्डर को मेंटेन कीजिएगा देखो हमको मेंटेन कर ठीक है सही है कन्वीनियंट है अगर आपके लिए कन्वीनियंट है आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव है बोले सारे वकला बैठे हुए कोर्ट रूम में आप ऐसा कोर्ट रूम में आ जाए आप उसको रिप्रेजेंटेटिव वरना सब तो जो है ना उससे डिसेक्शन हो गए के लोगों को मौका मिल तो
मनीर भेजा हुआ इधर को ख्याल करता कोर्ट बंद करके पुलिस बुला लेगा क्या करेगी पुलिस जाके बैठ जाओ अरे ब्रो साहब तुम आओ तुम्हारी सुनेंगे यार ये दो दिन गुज़श्ता रोज़ से तनाज़ा था वकला और अदालती अमले के दौरान और उसके बाद फिर इनके दरमियान तनाज़ा रहा लड़ाई झगड़ा रहा आज पथराव भी हुआ। एम ए जिना रोड जो है मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया था। कल जो है जब ये गाड़ी की एंट्री के ऊपर जब तनाज़ा हुआ तो उस तनाज़े के ऊपर जो है वो ना सिर्फ वकला ने अदालतों को सिटी कराची की जो डिस्ट्रिक्ट सर्किट की अदालतें हैं उनको ताले लगा दिए थे बल्कि जो जजेस से अमला था वो भी शाम तक रात तक जो है मैसूर रहा। अब कल देर तक जो है वो ताले खुल गए थे और उसके बाद फिर अदालतें खुली तो उसके बाद फिर जजेस वापस गए घरों को। लेकिन आज सुबह से हड़ताल की कॉल दी गई थी वकला की वजह से भी वकला ने भी हड़ताल की कॉल दी थी और उसके बाद फिर अदालती अमले ने भी हड़ताल की कॉल दी थी और उसके बाद फिर पथराव हुआ दोनों तरफ से। यानी कि जो अदालतें हैं सेशन अदालतें वो मुकम्मल तौर पर मैदान जंग बनी रही। उसके बाद एम ए जिना रोड ब्लॉक किया गया। एम ए जिना रोड से पुलिस ने रोड खुलवाने के लिए शेलिंग की और उसके बाद फिर वकला जो है वहाँ से एहतजाज करते हुए हाईकोर्ट पहुँचे। वकला के हाईकोर्ट पहुँचने के ऊपर जो हाईकोर्ट के जो दरवाजे थे वो बंद कर दिए गए थे। फिर ज़बरदस्ती वकला की जानब से दरवाजे खुलवाए गए। अब इस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस सिंध हाईकोर्ट की रूम में वहाँ पर जो है वो कुछ वहाँ पर जो है एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी फुल कोर्ट रेफरेंस हो रहा था। उसके बाद भी आपको नीचे से आवाज़ें आ रही होंगी कि इस वक्त भी जो वकला ऊपर नारेबाजी कर रहे हैं। इनका मुतालबा है कि जो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हैं खालिद शाहानी साहब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और वकला के ऊपर जो तशद्दुद किया गया है उसके उनके खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। सिंध हाई कोर्ट में जो चीफ जस्टिस का आप चैम्बर देख रहे हैं सामने कोर्ट रूम है और उसके बाद फिर यहाँ पर कराची बार के सदर और कराची बार एसोसिएशन की जो नुमाइंदा वकला हैं वो और उसके बाद फिर सिंध हाई कोर्ट के सीनियर वकला इस वक्त जो वकला के तहफ़ात हैं या खदशात हैं उससे मुतालिक चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट अहमद अलीम शेख से मुलाकात कर रहे हैं और बड़ी तादाद में इसके अलावा जो वकला हैं वो कमरा अदालत के चैम्बर रूम के बाहर हैं और इस वक्त जो चीफ जस्टिस का चैम्बर है उसके बाहर जो है पुलिस की सिक्योरिटी भी मौजूद है और वकला यहाँ पर एहतजाज भी कर रहे हैं और अंदर जो है बाकी बातचीत जारी है। इस तरफ भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में वकला जो है एहतजाज करते हुए सिटी कोर्ट से यहाँ हाई कोर्ट पहुँचे थे और वकला यहाँ पर भी मौजूद है। अब अंदर मज़ीद बातचीत जारी है अंदर की सूरत हाल जो है वो सूरत हाल से भी मज़ीद आगाह करते हैं। पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं वकला आज बड़े पैमाने पर एहतजाज कर रहे हैं। अब तो काफ़ी संगीन सूरत हाल थी क्या कहते हैं इस बारे में? देखें मैं मुझे अभी मालूम हुई है जो कुछ हुआ गलत हुआ और इसकी प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए। ये बात मेरे समझ में नहीं आई है कि इतना बड़ा वाक्य हो गया अगर हम खामोश रहे क्यों रहे। अगर कोई सिचुएशन पहले ऐसी क्रिएट हुई थी तो इन बड़ों ने बीच में पढ़कर उस मामले को सेटल क्यों नहीं किया। मैं ये समझता हूँ कि ये नौबत जो आती है ना ये इस बात की निशानदेही करती है कि भारत और बाहर के दरमियान डिफरेंसेस अगर आगे बढ़ते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानदेह। अभी
इसकी गलती है, मैं ये नहीं कर रहा। प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, जिसकी गलती है उसके खिलाफ सिविल सेक्शन होना चाहिए, चाहे वो जज हो वकील हो, लेकिन जिसकी गलती है उसको उसकी। सर अभी वकला तो काफ़ी गुस्से में है, काफ़ी आपको पता है कि शेलिंग भी हुई है, वकला एक्सीडेंट हुआ, शेलिंग हुई, मुझे अभी पता चला पथराव हुआ, वहाँ से जुलूस लेके आए तो असर पर वजह हुई कि इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया। पांच वकला के जिस तरह ये बताते हैं तो उनके सर पर जो पढ़ने वाले को कौन हो गया, पुलिस वाले हैं, स्टाफ का आदमी है, कौन है, ये चीज़ें सारी सामने आनी चाहिए। शीशे तोड़ना उसकी भी जरूरत है, ये इतना बड़ा वाक्य हो गया। तो मैं ये समझता हूँ कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस को जब ये डिस्प्यूट पहले ही आया था, ऑनरेबल चीफ जस्टिस को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए था, ताकि ये नंबर नहीं आते। थैंक यू सर। तो ये हमारी अदलिया की डिग्निटी का भी मामला है, लेकिन अदलिया जो है वो हमारे ब्लैक आउट की वजह से किसी को डिस्प्यूट नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू। आप क्या कह रहे थे? मोहम्मद इशरा रेडिटेड हाई कोर्ट में आपको ये आज के वाक़ के बारे में बताता चलूँ कि ये आज का वाक़ नहीं है, ये 31 मई का वाक़ है। 31 मई को हमारे बाकायदा कराची पार्क के एमएमसी के साथ से एक वॉचमैन ने बदतमीजी की है, उस वॉचमैन को हमारे एमएमसी ने बाकायदा जो है वो अरेस्ट करके वो थाने लेके गया है, थाने में उसको बिठाया और डीजे इसमें बाकायदा अपना पावर इस्तेमाल करके हाफिज हुसैन शाहानी ने उसने आपको अपने पावर इस्तेमाल करके उसको रिलीज करवाया, छुड़वाया और उसके बाद जो है इनका जो खुद साख्ता जो एसोसिएशन बना हुआ है अपने क्लर्क का, उन्होंने बाकायदा जो रेजोल्यूशन पास किया है कि हम अदालतों की बाई पास करेंगे। उसके बाद बाकायदा खालिद हुसैन शाहानी ने अपनी सरबराही में अपनी सरपरस्ती में एक और जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो पूरी साउथ के चीफ पुलिस स्टेशन के DIG का और उसके साथ जो है को बुला के उन्होंने बाकायदा जो है ये इंस्ट्रक्शन दिया है DIG को, नहीं DIG नहीं साउथ नहीं करल ने बाकायदा जो इंस्ट्रक्शन दिया है कि यहाँ पे वकला की बदमाशी गुंडागर्दी नहीं करनी देंगे और वकला जो है वो बाकायदा यहाँ से जो है हम डिस्पर्स करेंगे, लेकिन हम इंतजामिया के साथ खड़े हैं और उसके साथ जो है हम जजेस के साथ खड़े हैं। आया हमारे वकला की जो प्राइम मिनिस्टर से अदालत है ये हमारे वकला का है या जो है ये जजेस का है? अगर जजेस हम में से है तो हम जजेस में से नहीं है, जजेस हमसे बनते हैं। और DJI जो ईस्ट है खालिद हुसैन शाहानी ने बाकायदा जो इंस्ट्रक्शन दिया है वकीलों के ऊपर पथराव करो, वकीलों को मारो पीटो, इनको अंदर घुसने ना दो और उसके बाद जो भी मामला होगा ये चीफ साहब देखे। चीफ साहब को 2 दिन पहले से पता चला हुआ है कि ये इस तरीके से मामला आता है तो चीफ साहब को इसमें इंटरफेयर करना चाहिए था और इस मामला को जो है ट्रिपल टॉप के जरिए बैठ के इसका हल निकालना चाहिए था, लेकिन DJ साहब का खुद जो यहाँ पे जो चहीता है वो चहीता बना हुआ है, वो चीफ साहब का बना हुआ है। चीफ साहब बाकायदा जो है उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं और चीफ साहब की प्रोटेक्शन की वजह से आज वकीलों के जो है 8-9 वकील हमारे अभी भी ICU में, ट्रामा सेंटर में, सिविल हॉस्पिटल में जो है एडमिट है, उनके सर पटे हैं, उनकी जो है उनके बाकायदा शिलिंग की गई है, नईम DIG साउथ नईम करल के इंस्ट्रक्शन पे उनके वकीलों के ऊपर जो है बाकायदा उनके ऊपर शिलिंग की है। लेकिन जो वहाँ पे वकला के ऊपर जो है अटैक कर रहा था, वकला के ऊपर जो है कोर्टों के अंदर जो है अटैक किया हुआ है वो इंतजामिया ने, जो वहाँ का स्टाफ है पट्टे वाले हैं वो पट्टे वाले वो के हमारे ऊपर काले कोर्ट ब्लैक कोर्ट के ऊपर अगर अटैक करते हैं तो हमारे औकात क्या रहती है? तो मैं सलाम पेश करता हूँ पंजाब के वकीलों को, पंजाब के वकला को कि पंजाब के वकला अगर इस तरीके से कोई भी अमल होता है तो वो उठ के उसी अदालत के जजेस को जो है उठा के बाहर फेंकते हैं, मारते हैं, कूटते हैं, फिर उसके बाद आगे जाके कमेटी में जाती है बात। यहाँ पे हम या इस वक्त जो है आप मजमा देख रहे हैं, आप जरा उनको सारा कैमरा घुमाए, उनको दिखाए कि ये मजमा आज चीफ साहब के पास आए हुए हैं कि आप अपनी चहेते का इख्तिसाब करें और इनको मुअत्तल करें। तो ये तालेबंदी कब तक रहेगी? एहतजाज कब तक जारी रहेगा? एहतजाज कब तक जारी रहेगा? हमारा एहतजाज उस सूरत तक जारी रहेगी, उस वक्त तक जारी रहेगी जब तक जो है ये जो आपने चहेती को जो है बाकायदा डिस्पर्स इनको जो है टर्मिनेट ना करें, उनको बरतरफ ना करें, उस वक्त तक हमारा डिस्ट्रिक्ट ईस्ट के तमाम अदालतों का हमारी वो कला बिरादरी का एहतजाज रहेगा। किसी भी कोर्ट में जो कोई प्रोसीडिंग नहीं होगी, कोई जज नहीं आके बैठेगा, कोई पट्टे वाला आके नहीं बैठेगा जब तक जो है खालिद हुसैन शाहानी को जो टर्मिनेट और उसको जो है मुअत्तल नहीं किया हो, उस वक्त तक हम एहतजाज जारी रखेंगे और एहतजाज जारी रहेगा। थैंक यू सर। सर कुछ शेयर करेंगे आप, क्या बात हुई है? अजाला होगा, अजाला हुआ है। आपके मुतालबात मान ली गए, आपके मुतालबात डिमांड मान ली गए।
शाम तक सुबह तक ये मैं करूँ। सर आप क्या कोई मुतालबा तो माना गया है आपके से रही मुलाकात? जी जी, चीफ साहब ने कहा है कि अजाला होगा और वो 24 घंटे के अंदर वो कुछ ना कुछ वो डीजे साहब के हवाले से भी और स्टाफ के हवाले से भी बाकी भी जो तफसीलात सारी बताई उसके हवाले से भी उन्होंने कहा अजाला करेंगे। आपके साथ है जो आपके साथ जाती हुई वो बिल्कुल इंशाल्लाह उसका अजाला होगा। देखेंगे कि क्या फैसला आता है, इंशाल्लाह फौरन वो अजाला करेंगे। हमारी बात हो गई, हमने कुछ सजेशन पेश किए, बुकला हमारे जख्मी है उनके खिलाफ क्या एक्शन होता है, और स्टाफ ने जो एक स्टाफ ने जो बुकला पे हमला किया उसके खिलाफ भी इंक्वायरी, उनके खिलाफ क्या एक्शन है, ये डिमांड थी इन लोगों की हमारे भाइयों की, उस पर चीफ ने कहा मैं इमीडिएटली एक्शन करूंगा। आप लोग मुतमईन है अभी तक? जो मुतमईन है हमारे अपना जबान दी है चीफ साहब ने। किस किस के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं? और सीए साहब ने और उसके इसका खिलाफ सीए साहब ने कहा 24 घंटे में उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, और जितने भी हमारे उत्तराखंड रखे हुए हैं सीए साहब उनसे खुद जाकर कोशिश करेंगे उनसे मिलेंगे। ठीक है सर, थैंक यू।